Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Niman and I welcome you all to the video class. Today's video is for class 8 and today I will explain you the chapter Crafts and Industries of your social studies, and this chapter comes in your history. Okay, this is the chapter is of your history part. Now, crafts and industries. Crafts means हमारे हाथों के द्वारा बनाए गए, है ना? या अगर हम क्राफ्ट्स की या हैंडीक्राफ्ट्स की डेफिनेशन लें तो हैंडीक्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स आर द प्रोडक्ट्स और गुड्स विच हैव देयर एस्थेटिक वैल्यू है और आर यूनिक इन फीचर्स दैट आर स्पेशल एंड आर यूनिक इन फीचर्स एंड हैव बीन मेड बाय द हैंड्स और द स्किल्स ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सन. तो हैंडीक्राफ्ट्स जो आपका गुड्स कह सकते हैं, जो हमारे क्राफ्ट पर्सन या वीवर्स के हाथों द्वारा बना हुआ हो और वो अपने ही किस्म में खास हो, जो मुश्किल हो बनाने में, ठीक है. एंड व्हाट वर द गुड्स विच वर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड इन आवर कंट्री. द गुड्स विच वर इम्पोर्टेड वर मेनली कॉस्टली मेटल्स, एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक were imported, and the goods like pearl, spices and perfume were exported from India. Okay, so when the Indian weavers and Indian craftspersons were gaining profit from their own hard work, from their own skills, from their own handicrafts which were sold in the various parts of the world. So which increased the demand and made the profit to them. So this all took place in the pre-British area. Ye sab kab hua? Britishers ke aane se pehle. Aur hamare India mein craft centers bhi the. जैसे मेटल वर्क, बेस्ट मेटल वर्क वॉज इन द मासरीपट्टनम एंड तंजोर मदुरई इन साउथ, एंड द सी पोर्ट्स लाइक सूरत, मासरीपट्टनम, विशाखापट्टनम वर फेमस फॉर शिप बिल्डिंग, एंड ढाका, बरूच एंड मदुरई वर फेमस फॉर टेक्सटाइल्स, फॉर textile industries. So these were the craft centers in India. Okay, industrialization came place took place after the audyogikaran kab hua. Industrialization means audyogikaran. So industrialization took place after the Britishers came, when they came into India, and industrial revolution was started. The shifting from manual setup to the machine made goods led to the rise of industrial revolution. ठीक है, जब हाथों से बने हुए सामान की अहमियत ना रह जाए और उसकी जगह मशीन मेड गुड ही इस्तेमाल में लाए जाने लगे तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ. अब इससे क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन वीवर्स थे, इंडियन जो क्राफ्ट पर्सन थे, उनका वर्क डिक्लाइन होने लगा और वो बेचारे लॉस, उनको हानि होने लगी, उनका जो इन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे कि वो उन्होंने अपना काम धंधा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. और एक्चुअली इन द इंडिया द रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन एंड जूट वर ऑल्सो स्पेशल, they were also of good qualities. So the handloom or the spinning or weaving made the fabric which was in unique, which has its unique feature like the design and the dyeing and printing on the cotton cloth made it wide popular among the in the foreign countries also, like
the printing of patterns or dye by indigo painting, indigo print, है ना? तो कपड़ों पर टाई एंड डाई या इंडिगो प्रिंट या आपका जो कपड़ों पर छपाई का या उसमें वीविंग का वर्क जो था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी मांग विदेशों में बहुत बढ़ गई थी। और ये सेंटर्स आपके साउथ में मासुलीपट्टनम मदुरई, नॉर्थ में बनारस लखनऊ, वेस्ट में आपका जयपुर सूरत, और ईस्ट में ढाका और मुर्शिदाबाद सेंटर्स थे जहाँ पर कॉटन क्लोथ में छपाई और वीविंग का वर्क होता था। और उसकी डिमांड यूरोप और इंग्लैंड रीजन्स में बहुत बढ़ गई थी। When Britishers saw the demand of cotton printed cloth was rising up in their own land, so they passed a act in 1720 which is known as Calico Act. Calico Act 1720 mein pass hua tha by British government to ban on the import of cotton cloth which has printed, which has printed patterns, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने उसको इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया, जिससे कि उसकी डिमांड जो हो गई गिर गई, और इससे जो इंडस्ट्रीज थी हमारे इंडिया की वो डिक्लाइन करने लगी, और जो इंडियन वीवर्स थे या क्राफ्ट पर्सन्स थे उनका जो गुड्स जब खरीदा नहीं जा रहा था और डिक्लाइन करने लगा, और जो रूरल सेटलमेंट्स थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन करती थी, वो एकदम से उनको मंदी आ गई, ठीक है? तो इसे ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। एंड दिस अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ द इंडियन क्राफ्ट पर्सन, ओके? एंड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर ओन फैक्ट्रीज, देयर ओन इंडस्ट्रीज, एंड they just started buying the raw materials from us in very low rates, and they made their own goods and selling the goods in the Indian markets in very high rates, and this caused effect to the economy of the Indian craftsperson and in the Indian society, okay? Now we will know the industries which were set up by the Indian pioneers or entrepreneurs. Okay, first cotton mill was established by Coversji Nanabhoy in Bombay. तो हमारे इंडिया में जो पहली स्वदेशी मिल या स्वदेशी इंडस्ट्रीज जो थी, हमारे इंडिया की सेल्फ इंडस्ट्रीज, जो पहली कॉटन मिल सेटअप हुई थी वो बॉम्बे में सेटअप हुई थी। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन वहाँ का, बाकी ट्रेड एंड के पर्पज से भी वहाँ सेटअप किया गया था कॉटन मिल, क्योंकि ईजिली वहाँ पर कॉटन अवेलेबल था। तो कॉटन जो महाराष्ट्र के बॉम्बे में इसको लगाया गया था बाय कोवर्जी नानाभाई, और कोवर्जी नानाभाई ने बॉम्बे में जब इसको लगाया तो महाराष्ट्र बॉम्बे, क्योंकि ये एक तरह से सी पोर्ट भी है, ठीक है, बॉम्बे, और बॉम्बे रोडवेज के थ्रू भी गुजरात से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ट्रेड या मतलब इजी अवेलेबिलिटी होती है कॉटन की, इसलिए भी कॉटन मिल का सेटअप किया गया। और ये कॉटन मिल जो थी इसने कई इंडियन क्राफ्ट पर्सन या वीवर्स को उनका रोजगार, उनका एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है? उसके बाद कुछ और इंडस्ट्रीज सेटअप हुई कॉटन से रिलेटेड और टेक्सटाइल से रिलेटेड, जो आपकी अहमदाबाद और दूसरी कानपुर में भी
स्टैब्लिश हुई जिसमें आपका लाल इमली है, स्वदेशी है, जेके जूट मिल आ जाती हैं। ये आज़ादी के पहले से सेटअप इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में। दूसरी थी टिस्को। टिस्को कंपनी वॉज लेड अप बाय और सेटअप बाय द पारसी पायनियर और एंटरप्रेन्योर हुज नेम वॉज जमशेद जी नरसरवान जी टाटा, जिनकी आज टाटा नाम से फेमस कंपनी चलती है, टाटा एंड स्टील कंपनी उन्होंने सेटअप की थी। कहाँ पर? टाटा नगर या जमशेदपुर में, उनके नाम पर ही यहाँ का जो जमशेदपुर का नाम टाटा नगर पड़ा है। तो जमशेद जी नरसरवान जी टाटा ने स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री का सेटअप किया था जमशेदपुर में, और ये पहली इंडस्ट्री थी जहाँ पर आयरन और स्टील का गुड्स बनना शुरू हुआ था। और उसके साथ ही साथ टिस्को कंपनी, हमारे इंडिया की टिस्को कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इक्विपमेंट्स और गुड्स प्रोवाइड किए थे जो वॉर में चाहिए थे, ठीक है। एंड ये दोनों ही इंडस्ट्रीज आपकी इंडियन पायनियर्स या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ही लगाई थी। एक लगाई थी कोवर जी नाना भाई ने और दूसरी टिस्को लगाई थी आपकी जमशेद जी नरसरवान जी टाटा ने, ठीक है। और ये जमशेदपुर में लगाई गई थी, झारखंड में, जो पहले बिहार का हिस्सा था, पर जमशेदपुर जो झारखंड है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही आ जाता है, और छत्तीसगढ़ के आसपास आपका आयरन ओर्स जो है इजीली प्रोवाइड हो सकती हैं, आयरन बॉक्साइट और कई ऐसे मटेरियल जिनसे स्टील का निर्माण होने में हेल्प मिलता है, ठीक है। और आज टाटा के कार्स नैनो जैसे पॉपुलर हैं, तो यही ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो जिसने इंडियन इंडस्ट्रीज की बैकबोन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया। अब कुछ और इंडस्ट्रीज भी हमारे इंडिया में चलाई जाए थी जो आपकी कॉफ़ी, टी और इंडिगो। कॉफ़ी टी का जो पर्पस था वो बीवरेजेस के फॉर्म में यूज़ हो रहा था। इंडियन की असम की टी जो है, इंडिया में असम जो है स्टेट आपका, वहाँ की टी बहुत वाइड पॉपुलर है वर्ल्ड में। तो टी कल्टीवेशन ऑल्सो स्टार्टेड इन द रीजन्स ऑफ असम एंड कॉफ़ी प्लांटेशन ऑल्सो टू प्लेस इन द नीलगिरी हिल्स और द कर्नाटका रीजन, ओके, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो आपके इन इंडस्ट्रीज से अलग बेवरेजेस इंडस्ट्रीज लाइक टी और कॉफ़ी भी बहुत पॉपुलर थी, और उसके साथ साथ इंडिगो कल्टीवेशन पर भी जोर दिया गया था, ठीक है। इंडिगो जो इसे हम हिंदी में नील कहते हैं, इसकी भी खेती इंडिया में कराई गई। बट व्हेन द इंडियन मार्केट्स वर सप्लाइड और फिल्ड विद द ब्रिटिश गुड्स, सो विच लेड टू डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडियन क्राफ्ट पर्सन, जिससे कि इंडियन क्राफ्ट पर्सन को अफेक्ट हो रहा था, और उन्होंने उस लॉस और उस अफेक्ट को रोकने के लिए हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन ने महात्मा गांधी के इंस्पायर होके उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट में आपने देखा ही होगा स्पिनिंग व्हील का यूज किया गया था, जिससे कि जो रॉ कॉटन से सूत काटा जाता था और उससे फिर फाइबर्स बना करके धागे बना करके फैब्रिक का निर्माण करते थे, और उसको टेक्सचर्स और विभिन्न रंगों में रंग करके खुद इंडियन गुड्स को ही प्रिपेयर किया गया, ताकि जो अर्निंग हो या जो हमारी मनी का आदान प्रदान हो रहा हो वो हमारे इंडियन मार्केट में ही रहे, हमारे इंडियन ट्रेड्स पर्सन को ही उससे हेल्प मिले, ताकि जो जिस तरह से एक डिक्लाइन हो रहा था और पॉवर्टी लेवल बढ़ रहा था, हमारे इंडियन क्राफ्ट पर्सन भी उस समय अफेक्ट हो रहे थे, उनको भी एक रोजगार मिले, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसलिए भी जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसमें ब्रिटिश गुड्स को के यूज़ पर रोक लगा दी, उसको यूज़ करने पर या खरीदने पर रोक लगा दी गई, और आपका स्वदेशी
जो गुड्स है उसको बनाने और उसको यूज करने और खरीदने पर जोर दिया गया, ताकि जो इंडियन क्राफ्ट पर्सन है, जो इंडियन पर्सन है, उसको अफेक्ट ना हो, उसको उसका थोड़ा काम धंधा चले और उसके साथ साथ उसकी रोजी रोटी, उसकी लाइवलीहुड पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।